तो आज जो काम हम लोगों ने डिस्कस करना है जाहिर है 2.7 यानी बाद वाले जो क्वेश्चंस है, ठीक है आइए देखते हैं। कल जो आखिरी क्वेश्चन हमने देखा था उसके बाद आज एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, जो कि पुराने काम से ही रिलेटेड है। किंदर भाई क्या हो गया, बोलना पड़ेगा क्या आप लोगों को चुकाने के लिए? क्वेश्चन देखिए बेटा, जाहिर है कि क्वेश्चन भी मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, बुक में नहीं है, पुराना क्वेश्चन है बल्कि नई बुक का दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। देखना जरा, अगर एक्स एक्स नहीं लेता एन की पावर में ले लू 2x और नीचे एन की पावर में ले लू क्या भला एक्स प्लस वाई। इस पे तो काम पहले करवाया है, 2x में से माइनस होगा x प्लस वाई यानी माइनस एक्स माइनस वाई, फिर उसके बाद क्या होगा 2x और x सेम अल्फाबेट वाली टर्म है तो 2x में से 1x जाएगा तो क्या बच जाएगा सिर्फ 1x यानी कि सिर्फ x। तो काम दोबारा करना है, ये काम आता है या नहीं आता? बस इस काम में ना दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, तो इस काम के साथ मैं एक और चीज बढ़ा रहा हूँ कि अब की बार बाहर एक पावर भी है, बिल्कुल बाहर एक होल पावर भी है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे एन की पावर वाई प्लस जेड, बल्कि वाई प्लस जेड नीचे होगा 2y। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि आप लोगों को भी अब क्वेश्चन बनाना आ चुका है, आइडिया बहुत अच्छी तरह हो चुका है, y प्लस जेड और ऊपर क्या है y प्लस जेड, तीसरा ब्रैकेट क्या होगा n की पावर 2x 2y तो 2z और नीचे n की पावर होगी 2z तो ऊपर है सिर्फ z प्लस x और होल पावर भी क्या होगी z प्लस x। एक ब्रैकेट को देख के बाकी दोनों ब्रैकेट जो है प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है क्योंकि काम भी एक जैसे ही होना है। अच्छा क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा था तो यार मसला ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा। n की पावर है 2x अपॉन n की पावर है x प्लस वाई और होल पावर भी x प्लस वाई, मल्टीप्लाई में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, n की पावर 2y अपॉन n की पावर y प्लस जेड और होल पावर y प्लस जेड, तीसरा ब्रैकेट n की पावर 2z अपॉन n की पावर z प्लस x और होल पावर भी z प्लस x। एज यूजुअल अगर आप क्वेश्चन को अपने लिए आसान बनाना चाहते हैं तो पहले ब्रैकेट के अंदर काम करें बाद में ब्रैकेट ओपन करें। तो क्या यहाँ पे तीनों ब्रैकेट्स के अंदर काम हो रहा है? द बेसिस आर सेम, तो पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, बट नीचे दो टर्म्स हैं तो इस वजह से कर्ली ब्रैकेट बाहर आएगा क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर आएगा। नीचे दो टर्म्स है तो नीचे वाली पावर पे हमें बनाना पड़ेगा स्मॉल ब्रैकेट, बनाना पड़ेगा ना, और बाकी सब कुछ फिलहाल ऐसे ही रहेगा पास यानी बाहर वाली पावर। अच्छा फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट n की पावर 2y माइनस y प्लस z और होल पावर y प्लस z y प्लस z। अच्छा और तीसरा ब्रैकेट n की पावर 2z माइनस नीचे दो टर्म्स है इसलिए ब्रैकेट बनाइए और होल पावर z प्लस x। तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे की पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवा दिया आपने, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। अब इन तीनों ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं क्योंकि माइनस के बाद है और जाहिर पूरी नीचे वाली पावर माइनस हो रही है तो दोनों माइनस हो रहे हैं। दोनों माइनस होने का मतलब दोनों के साथ माइनस है, दोनों का साइन चेंज कर दें। दोनों ब्रैकेट जब तीनों ब्रैकेट इनफैक्ट जब ओपन होंगे तो इसके अंदर जो दोनों टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा जाहिर है कि अंदर वाला स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो बाहर कर्ली ब्रैकेट की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या बनेगा यार, एन 2x माइनस x माइनस y x प्लस y भी छोड़ दे। दूसरा अब देखिए क्वेश्चन में डॉट लगा हुआ है तो मैं भी डॉट ही लगाया जा रहा हूँ, कुछ ना लगाता कुछ ना लगाता मल्टीप्लाई लगाता मल्टीप्लाई लगाता, जैसी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन मेरे सॉल्यूशन की भी वैसी ही प्रेजेंटेशन। ये क्या लिखा हुआ 2y माइनस y ठीक है बिल्कुल सही और होल पावर सही है, तीसरा ब्रैकेट 2z माइनस z माइनस x और होल पावर z और x से z और x कैंसिल कर दो क्यों, क्योंकि अंदर वाली पावर है वो बाहर वाली पावर है और अंदर बाहर वाली पावर जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती है ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है अगला काम क्या होना चाहिए, इसके बाद अगला काम ये होना चाहिए कि पहले हाँ मल्टीप्लाई तो होना सही बात है लेकिन अगर अंदर मजीद कोई काम की पॉसिबिलिटी है तो पहले उसे करूंगा। क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो 2x माइनस x है, ये जो 2y माइनस y है और ये जो 2z, तो 2 में से 1 जाएगा
और वन बचेगा, ऐसे ही बिल्कुल, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ वाई बचेगा और यहाँ वन जेड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना इसकी, क्योंकि अगर आप उसको नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई तब भी हो सकता है लेकिन फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी पावर, छह छह टर्म जाएगी, 3 2 6 और फिर वो कैंसिल करने में आपको मुश्किल होगी। तो बेहतर है कि अभी ब्रैकेट के अंदर जितना काम कर सकते हैं ब्रैकेट को जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करें, ताकि फिर पावर को मल्टीप्लाई करवाने में उतनी ही आसानी हो। बिल्कुल, तो n की पावर क्या बनेगी बेटा, 2x में से x गया तो प्लस x, बड़े नंबर के साथ प्लस है तो प्लस, क्योंकि बड़ा 2 है, है ना, और माइनस y रहेगा क्योंकि y वाली तो कोई और टर्म नहीं थी, तो y ऐसे ही। दूसरा y 2 में से 1 गया तो 1y माइनस z होल पावर, तीसरा 2z में से z गया और माइनस x एज इट इज और होल पावर, पावर के ऊपर अब वही पुराना मैंने कहा था, ये हो गया मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का 8 का पहला पार्ट यहां तक, और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारी बुक का 2.7 का, यानी पावर के ऊपर पावर, तो पावर्स 9 था या 8 था, जहां एलिमेंट था 8 था, तो पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई, चलो करवाएं क्या, मैंने कहा ना दोनों क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, अगर आपको दोनों काम आते हैं, चाहे उनको अलग-अलग करना हो चाहे उनको एक साथ करना हो, काम तो करना आता है, ठीक है। चलिए अब जल्दी-जल्दी मल्टीप्लाई करवाते हैं, मैं टाइम भी वेस्ट करूंगा, x - y से मल्टीप्लाई होगा x + y, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्यों जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, y plus z, y minus z, और आखरी n, z minus x और z plus x, दोनों ब्रैकेट फॉर्मूला भी लग सकते हैं, जो लोग फॉर्मूला लगाएं, वो लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन वो फॉर्मूले का रेफरेंस दे दें, वो फॉर्मूले का, मैं भी फॉर्मूला लगा दूं एक दफा ताकि आपको पता चले काम गलत नहीं है, अलग बात है हर जगह फॉर्मूला लगता नहीं है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है, तो जहां लग रहा है और याद है तो वहां लगा लो, मसला नहीं है, लेकिन जाहिर है फॉर्मूला को तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ब्रैकेट खोलने नहीं पड़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करवानी पड़ेगी, तो जब कोई काम डायरेक्ट करते हैं फॉर्मूला यूज करके तो फॉर्मूले का रेफरेंस जरूर लेते हैं, वरना नंबर कटेंगे, ठीक है, सौ फॉर्मूले का रेफरेंस दे कि जब भी सर, अब क्योंकि हम और भी बहुत सारे ब्रैकेट ओपन कर चुके हैं, तो हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह ताजा हो चुका है कि जब भी a माइनस b से मल्टीप्लाई होता है a प्लस b, आंसर हमेशा आता है बिल्कुल, नहीं 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 बस करती गलती, होल स्क्वायर नहीं है ये, एक में माइनस है एक में प्लस है, होल स्क्वायर नहीं है, हाँ अगर दोनों प्लस होते तो होल स्क्वायर होता, अभी सिर्फ आंसर क्या आएगा, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पुराने वाले तरीके से करे भाई, मैंने कहा ना फॉर्मूला वही यूज करे जिसको फॉर्मूला आता है, यूज हो सकता है, चलो बताओ जल्दी से क्या बनेगा, एन की पावर ए का मतलब क्या है यहाँ पर, ए की जगह क्या है भाई, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, बी का मतलब होता है सेकंड टर्म, तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, वाई, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो इन दोनों ब्रैकेट की जगह ये दोनों आएंगे ना टर्म्स, बोलो आएंगे या नहीं, इन दोनों की जगह भी आएगा, इन दोनों की जगह भी आएगा, बस फर्क ये कि इसका ए और इसका बी आएगा, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बी का मतलब, चलो दूसरा एन बताओ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तीसरा एन z स्क्वायर माइनस, बस अब ब्रैकेट भी खोल गए, अब आपकी मर्जी, फिर कह रहा हूँ आपकी मर्जी, आप चाहे तो फॉर्मूला लगा कर खोले अगर फॉर्मूला लग रहा है, और अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा तो फिर आप नॉर्मल तरीके से ओपन कर दें, नॉर्मल तरीके से ओपन कर, नॉर्मल तरीके से ओपन करने का मतलब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से, यानी पहले ब्रैकेट की दोनों टर्म दूसरे ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, ठीक है, अभी आपकी मर्जी है, चलो फिर करेगा सेम वे मल्टीप्लाई, तो पावर एड क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ब्रैकेट बनाऊं क्या, नहीं प्लस माइनस होता मैं जरूर ब्रैकेट बनाता, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस, चलो आपको पता है क्या बचा, कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन सॉर्ट आउट कर देते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से प्लस जेड स्क्वायर, तो n की पावर बनेगी जीरो, और जिस चीज की पावर जीरो उसका आंसर वन, एज यूजुअल इस क्वेश्चन का आंसर भी, समझ आया, कोई नया काम सिखाया था क्या अभी, कोई भी नहीं, बस दोनों काम एक साथ आ गए, ठीक है, तो अब देख लेते हैं बुक का क्वेश्चन अगला जो रहता है, मेरा ख्याल अब एक ये जो चार क्वेश्चन है जहाँ बेस में भी अल्फाबेट है पावर में भी अल्फाबेट है, कौन से, 6 7 8 9, इसमें से सिर्फ 9 रह गया, 9 मैंने बोला था करा दूं फिर कल मैंने कराया नहीं था, तो 9 मैं अब करा रहा हूं, टिक मार्क करें 9 पे जल्दी से, और 9 करने से पहले आपको पता है कि जिस तरीके कार से मैं काम करवाता रहा हूं उस तरीके कार के मुताबिक क्या होना चाहिए,
पहले हमें दो क्वेश्चंस जो अभी काम हमने किया उस तरह के दो क्वेश्चंस करने होंगे, जो मैं लिखूंगा आंसर उनका भी बनाएगा, तो दो क्वेश्चन की मैं जगह छोड़ता हूँ जो मैंने बनाने, और फिर उसके बाद तीसरा मैं करा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज है 2.7 सॉल्यूशन की हेडिंग। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएं ये बात कि लिखा क्या हुआ पहले ब्रैकेट में, b की पावर a अपॉन b की पावर b होल पावर होगी a प्लस b माइनस c, ऐसे ही है। अच्छा फिर मल्टीप्लाई का निशान भी है, b की पावर b अपॉन b की पावर c। अब देखें मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं, b प्लस c माइनस a, और फिर तीसरे ब्रैकेट में p की पावर c अपॉन p की पावर a होल पावर a प्लस c है या c प्लस a माइनस a, ऊपर 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 a प्लस c माइनस b, ठीक है। यानी मैं ये देखना चाह रहा था ये पहले है c पहले, क्योंकि दोनों प्लस है ना तो कोई भी पहले हो सकता है। तो ये हो गया आपके पास अगला क्वेश्चन, हो नहीं गया अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में कोई काम हो सकता है? yes. क्या काम? ब्रैकेट भी बने हुए हैं तो ब्रैकेट खोल भी सकते हैं, और जाहिर है ब्रैकेट के अंदर भी काम होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? ऊपर वाली पावर पहले वाली पावर पहले, दूसरा पी बी माइनस सी होल पावर, तीसरा पी पावर होल पावर। अगर इस a प्लस सी को c प्लस a माइनस b लिख दूं कोई एतराज किसी को? कोई फर्क है? चलो एक काम करो, अगर कंफ्यूज ना हो आप लोग तो यही लिख देते हैं, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर a और b को माइनस करो भाई, हो सकता है? डिफरेंट अल्फाबेट नहीं हो सकता, जहां सेम अल्फाबेट हो सकते हैं। देखो अब आप क्वेश्चन कॉपी करो, सर ये टू कहां चला गया, x कहां से आ गया अचानक? तो इसका जवाब है इस वेव की जगह यहां पर ये वेव आई, इस वेव की जगह यहां ये वेव आई, और इस वेव की जगह यहां ये वेव आई। हालांकि हमारे पास तो सिर्फ हीट वेव ही आती है, लेकिन बहरहाल हमने जल्दी जल्दी माइनस कर दिया। क्या ये समझ में आया आपको? अब आप जब रिवाइज कर रहे होंगे तो इसलिए खोल के देखेंगे, पेंसिल से भी वेव बनी हुई होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये इन दोनों की जगह ये आया है, इन दोनों की जगह ये आया है, और उन दोनों की जगह ये आया है, ठीक है। या तो फिर पेज छोटा बना के पूरी बात आपकी मर्जी है, और ये सारी बातें सिर्फ अपनी समझने के लिए होती है, टेस्ट वगैरह में काम नहीं करते इस तरह से, इसलिए बोलो पेंसिल से बना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बात होती नजर आ रही है, और वो एक पावर के ऊपर पावर है, तो ये तीनों की जो पावर के ऊपर पावर है पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई। पहले पी की पावर बनेगी ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस सी, दूसरे पी की पावर बनेगी बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी माइनस ए, और तीसरे पी की पावर बनेगी सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी माइनस बी। इज दैट क्लियर? आगे ब्रैकेट ओपन करने, अब देखो यहाँ फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि हाँ अगर ये होता ना तो मेरे पास फिर से वही ऑप्शन होता कि या तो ब्रैकेट नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ओपन करूं या फिर फॉर्मूले से भी, लेकिन ये माइनस सी का फिर क्या होगा? जाहिर है यहाँ पर मैंने कहा ना हर जगह फॉर्मूला लग जाए जरूरी नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस किस बात पे कर रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन करने पर कि पूरी मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म करें करते हैं। कैसे होगा मल्टीप्लाई? दो टर्म्स हो तीन टर्म्स हो, तरीका आपको पता, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या तरीका सिखाया था कि सर पहले दूसरा ब्रैकेट जाएगा ए टर्म के साथ, पहले ब्रैकेट की हर टर्म के साथ, पहली टर्म के साथ भी और ए के साथ भी जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, और माइनस बी के साथ भी जाएगा। पहला ब्रैकेट पार्शियली ओपन हुआ, डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते, एक ही टर्म होती डायरेक्ट ओपन करता, दोनों में एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो पार्शियली ओपन करते हैं, यानी पहले दो ब्रैकेट से बनाते हैं एक एक ब्रैकेट, हर टर्म में एक एक ब्रैकेट, क्योंकि एक ब्रैकेट ओपन करना ज्यादा आसान है, ठीक है। डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे शुरू में ही गलती हो जाएगी, तो पहले पार्शियली ओपन होता है। पार्शियली क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ब्रैकेट अभी भी है, ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ बिल्कुल, अगर मैं बोलूं ब्रैकेट ओपन हो गया गलत है, ब्रैकेट अभी भी बना हुआ, लेकिन अब कम से कम दो ब्रैकेट नहीं बने हुए हर टर्म में। आप कहेंगे नहीं दो तो है, तो भाई ये टर्म अलग है वो टर्म अलग है, माइनस के बाद है वो, तो टर्म अलग है तो टर्म एक है और ब्रैकेट भी उसमें एक है, अगली टर्म में अगला ब्रैकेट है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ये बताओ अगला पी क्या बनेगा? बी मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी, और फिर माइनस सी भी मल्टीप्लाई होगा
इसके बाद तीसरा पी नहीं लिख सकता आगे, जगह नहीं होगी आपकी रजिस्टर पे भी, तो क्या करें? जाहिर है लाइन पे नीचे लिखें और थोड़ा आगे से लिखें ताकि खुद ब खुद पता चल जाए वो स्टेप कंटिन्यू हो रहा है और इसके साथ कोई इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो डेफिनेटली ये उसी स्टेप का हिस्सा है। हाँ भाई, सी मल्टीप्लाई होगा किससे पहले? ए प्लस सी माइनस बी से, और फिर माइनस ए भी मल्टीप्लाई होगा किससे? बस सही है। अब ये ब्रैकेट ओपन करना बहुत आसान है, करवाइए ओपन। पहले पी की पावर ए और ए बना ए स्क्वायर, ए और बी बना ए बी, प्लस माइनस सी ए भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन तो वैसे आज जरा बी की बात करें। एक बात का ध्यान रखना, बी नहीं है माइनस माइनस, तो बी और ए बी ए भी कह सकते हैं, लेकिन पहले ए भी लिख दिया तो बेहतर है, अभी भी ए भी लिखते हैं। माइनस प्लस बी और बी, माइनस प्लस माइनस माइनस बी और सी, ठीक है। दूसरा पी बी और बी, बी और बी, बी और सी, बी सी, बी और माइनस ए, बी और माइनस ए क्या बनेगा? माइनस बी ए या माइनस ए, समझ आ रही है बात? अच्छा, फिर अब यहाँ पर आ जाते हैं, माइनस सी और बी, सी बी, लेकिन क्योंकि पहले बी सी लिख चुके हैं तो अभी भी लिख दीजिए, तो ये बना माइनस बी और सी, और फिर माइनस प्लस माइनस सी और सी बना माइनस माइनस प्लस सी और ए बना, पहले ए सी लिख चुका हूँ तो मेरा ख्याल है अभी भी फिर ए सी ही लिख देना चाहिए, अगर पहले सी ए लिखा तो अभी भी सी ए लिखता। ये दूसरा पी था, तीसरे पी में वैसे देखो मैं सही कर रहा हूँ, अंदाजा हो सकता है। इसमें कितनी टर्म्स थी? इसमें कितनी थी? तो आंसर में कितनी आनी चाहिए थी? थ्री टू जा एक दो तीन चार पांच छह टर्म्स, बिल्कुल सही। अच्छा, तीसरा पी थोड़ा आगे से, इसलिए भी उसी स्टेप का हिस्सा है विदाउट इक्वल टू, क्योंकि स्टेप कंटिन्यू है। सी और सी, ए सी एस, ए सी लिख के आप पहले, बिल्कुल ए सी ही लिखे। अच्छा, सी और सी बना सी स्क्वायर, सी और माइनस बी माइनस सी बी, अब मैं जान बुझ के माइनस सी भी लिख देता हूँ, या चले अगर बी सी लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। आगे चलते हैं, ए और ए, ए और सी, सी ए या ए सी, माइनस क्यू प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस ए और बी ए बी, हर पावर के अंदर आपके पास छह छह टर्म्स आ गई हैं। अब इन छह टर्म्स में अगर कोई एक जैसी टर्म है तो कैंसिल या सिंपलीफाई, अगर साइन से ऐड करवा दें साइन डिफरेंट है कैंसिल करवा दें, नहीं तो फिर आगे चले। मेरा ख्याल है हाँ, ये पावर्स अपनी हद तक तीनों मजीद सिंपलीफाई हो रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, यहाँ पे प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, और यहाँ पे प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ कि जो चार चार टर्म्स बची हैं वो क्या है हर पावर में। पहले पी में ए स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस बी स्क्वायर प्लस, दूसरे पी की पावर में बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर, साइन की गलती ना कर देना कहीं, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, और फिर उसके बाद तीसरा पी बताना बेटा जरा मुझे, सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये तीनों पावर्स अपनी हद तक जितना सिंपलीफाई हो सकती थी हो गई, क्योंकि अब इनमें कोई सेम अल्फाबेट वाली टर्म इसमें नहीं है, कोई और एसी और कोई नहीं है, बीसी और कोई नहीं है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही, तो अपनी हद तक ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकती। तो फिर क्या करें? अब जाहिर है तीनों को एक साथ सिंपलीफाई करें, तीनों भी क्या हो रहे हैं, तो क्या पावर एड हो जाएंगी? पी को लिखेंगे एक दफा पावर एड, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। एक काम ही करता हूँ कि मैं प्लस किसी और कलर से बना देता हूँ ताकि आपको पता चले यहाँ से दूसरी पावर शुरू होगी। दूसरी पावर क्या है बेटा? बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, और तीसरी पावर क्या है? प्लस सी स्क्वायर, प्लस है तो ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अभी पूरा सिंगल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ 12 टर्म्स आ रही है। अब इन 12 टर्म्स में से अगर कोई एक जैसी टर्म्स हैं तो वो आपस में सिंपलीफाई हो जाएंगी। सिंपलीफाई इसलिए बोलता हूँ कि जरूरी नहीं कि सबट्रैक्ट हो सकता है ऐड हो जाए, ये तो साइन पे डिपेंड करता है ना, इसलिए मैं सिंपलीफाई बोलता हूँ। अब वो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ हमेशा कैंसिलेशन होती है और कैंसिलेशन होती है सबट्रैक्शन में, ठीक है, इत्तेफाक की बात है। यहाँ पे साइन ऑपोजिट है, क्या ऑपोजिट है साइन? प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल,
माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, और इसके साथ सी स्क्वायर माइनस का और सी स्क्वायर प्लस का, तो ये भी हो रहा है। रेड कलर से कैंसिल करने का मकसद ये था कि पीछे क्या लिखा हुआ है वो नजर आए, ये मतलब जबरदस्ती कैंसिल किया, वाकई कैंसिल हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो पेंसिल से कैंसिलेशन होनी चाहिए हमेशा पेंसिल से। तो यहाँ पे बची पी की पावर जीरो, और जिस चीज की पावर जीरो उसका आंसर वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया। अब एज यूजुअल इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन जैसे दो और क्वेश्चंस होने चाहिए होमवर्क के तौर पर। सही कह रहा हूँ? ठीक है, तो होमवर्क हो जाएगा दो क्वेश्चन। अच्छा, इसके दोनों क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, क्या होंगे मिसाल के तौर पे अगर मैं बेस में ले लूं ए और ऊपर ले लूं एक्स और नीचे ले लूं ए की पावर, तो होल पावर क्या बनेगी, ले लूं वाई और नीचे ए की पावर में ले लूं जेड, तो होल पावर बनेगी वाई प्लस जेड माइनस एक्स। सही है या नहीं? और तीसरे ब्रैकेट के अंदर ए की पावर जेड और नीचे ए की पावर एक्स, तो होल पावर बनेगी एक्स प्लस जेड माइनस वाई, जेड प्लस एक्स भी हो सकता था लेकिन मैं बिल्कुल जैसा बनाना चाह रहा था। और इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल देख लीजिए, जिसमें अब मैं यू बी और डब्ल्यू लेता हूँ। यानी अगर मेरे पास लिखा हुआ है बी की पावर में ऊपर यू, नीचे बी की पावर में बी, और यहाँ पे लिखा है यू प्लस बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, सही है। अच्छा, मुझसे क्या होता है जल्दबाजी में जब मैं ज्वाइनिंग राइटिंग करता हूँ या तेजी से लिखता हूँ, तो यू भी ऐसा बन जाता है, बी भी ऐसा बन जाता है तेजी से जब लिखते हैं। तो यू बनाने की मेरी आदत है, मैं यू यू करते तो बना तो बहुत होना भी ऐसी चाहिए। वैसे V जो है ना उसमें और U में फर्क पता नहीं चलता बाजों का। ये V बना, अब आप बोलेंगे कितना अच्छा V है तो मैं ये करता हूँ कि मैं V जब बनाता हूँ तो मैं V को यूं कर देता हूँ, थोड़ा सा इस तरह से आगे कर देता हूँ। तो मैं अपनी बात करूँ, जैसे आपने भी देखा होगा जितने भी जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैं Z ऐसा बनाता हूँ, मुझे पता है ना मेरी राइटिंग गंदी है बहुत तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि जब मैं जल्दबाजी में लिखता हूँ, ये बात मैंने जब मैं स्टूडेंट था तभी सीख, अच्छा अपनी बुराइयां बताओ मुझे बंदों ने सही कर लेगा तो, लेकिन हाँ बोले कि सही का की अच्छा तो टू और Z कितने मिलते जुलते हैं तो जल्दबाजी में जब बंदा लिखता है तो ये होता है। ठीक है, मैंने कहा मैं क्या करूं क्योंकि बाजों का हंसने की जरूरत नहीं, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारा तरीका होना चाहिए, ठीक है, काम करने का। मैं ऐसी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जो भी वी मैं लिखूं अगर वो भी मैं इसी तरह लिखूंगा शायद मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं वी थोड़ा सा आगे से इस तरह बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये भी, उसके बाद बेटा दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ बी की पावर वी अपॉन बी की पावर डब्ल्यू, और होल पावर होनी चाहिए वी प्लस डब्ल्यू माइनस यू, और B की पावर में आखिर में W और नीचे U, और ये होना चाहिए U प्लस W या चले W प्लस U माइनस V। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन मैं बाद में लिख दूंगा क्योंकि इससे ऐसे ही है तो कोई मसला नहीं हो जाएंगे। अब ये दो सवाल हुए, बुक के चारों हो गए क्या, सेवन सिक्स सेवन एट नाइन चारों हो गए, एग्जाम्पल भी हो गई, मिसलेनियस का एक रहता है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अच्छा हुआ देख लिया, याद आ गया, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट ये देखना है और जाहिर करना है, क्योंकि आपने भी देखा है कि बुक के सारे क्वेश्चंस मैंने किए। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बुक के सारे क्वेश्चंस किए, मुझे पता है इसमें से एक सवाल पेपर में आना है। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा 2.7 के, ये वाले जो पेपर में आते हैं वो छोटे वाले नहीं, शुरू के चार और आखिर का 14वां सवाल नहीं, बल्कि बीच वाले क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन 13 इनमें से एक आता है, तो मैं सारे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे करने से आपकी प्रैक्टिस तो होगी नहीं, तो इस वजह से हर क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको काम सिखाने के लिए, आपको सीखने का मौका मिले, मेरे करने से आपको काम नहीं आएगा, मैंने पहले भी बोला। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन बेस में एक्स है, पावर में
ये, और यहाँ भी अगर पावर a की पावर c होल पावर है b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसा ही है। और तीसरे में a की पावर c अपॉन a की पावर a और होल पावर में है c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ये सिचुएशन है। बेस x है, बिल्कुल बेस x है, वरना फिर ब्रैकेट के अंदर तो काम हो जाएगा लेकिन आखिर में तीनों ब्रैकेट्स में फिर काम होना मुश्किल होगा और बेस में ये हो भी नहीं सकता, पावर में ए आ गया तो वो सेम अल्फाबेट ना ही यूज हो, नीचे तो बेहतर है। अच्छा x बेस में था, अब बताइए क्या काम करें। एज यूजुअल काम को आसान बनाना चाहते हैं, मुश्किल बनाना चाहते हैं तो पहले ब्रैकेट खोल दें, दो दफा पावर ऑफ अ पावर का लॉ लगेगा, ऊपर भी तीन टर्म्स नीचे भी तीन टर्म्स आएंगी और फिर उनको माइनस कराने के लिए ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, मुश्किल हो जाएगा बहुत, मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, बहुत लेंथी हो जाएगा मेरे हिसाब से। बुक में यही तरीका है, बुक में जो एग्जांपल सॉल्व हुई है वैसी तरीके से सॉल्व हुई है, तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि आप बुक से कभी भी एग्जांपल का सॉल्यूशन नहीं कॉपी करेंगे, आप करेंगे उसी तरह या आपको जो तरीका आसान लगता है उस तरीके से। ठीक है बताओ बेटा क्या करें फिर, तीनों ब्रैकेट के अंदर बेसिस आर सेम द पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, पहले ब्रैकेट के अंदर काम करने का फैसला किया हुआ हमने, a minus b multiplied by a square plus ab plus b square, अच्छा x की पावर b minus c whole power b square plus bc plus c square, और बोले तीसरा ब्रैकेट x की पावर c minus a और whole power c square plus c a plus पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि a और b सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, b और c सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, c और a सबट्रैक्ट नहीं हो सकता, as they are not same alphabets, तो ये पावर मल्टीप्लाई, चले करवाइए मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर x की पावर इनटू a स्क्वायर प्लस ab दूसरे x की पावर b माइनस c b स्क्वायर प्लस bc प्लस, और फिर उसके बाद तीसरे x की पावर c माइनस a और c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। कुछ लोग कहेंगे ये भी फॉर्मूला है, अगर किसी को याद है तो, जिस तरह ये स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उसी तरह ये क्यूब का फॉर्मूला होता है, लेकिन हर किसी को ये फॉर्मूला याद हो जरूरी नहीं है, और इसलिए क्योंकि अभी मैंने चैप्टर 4 भी नहीं पढ़ाया ये फॉर्मूला सबको याद हो, तो इस वजह से फॉर्मूला ना लगाए बल्कि दो टर्म्स हो तीन टर्म्स हो जितनी भी टर्म्स हो आपको तरीका आता है तो तरीका अख्तियार कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। सही क्या बनेगा, पहले एक्स की पावर में ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, फिर माइनस बी भी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, बोले समझ आया। दूसरे एक्स में क्या होगा, पहले बी मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से, और फिर माइनस सी भी मल्टीप्लाई होगा एस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से। तीसरे एक्स में क्या होगा थोड़ा आगे से, बिकॉज दिस स्टेप इज कंटिन्यूइंग, सही कह रहा हूं yes. तो बताए क्या बनेगा, यहां पर c मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर प्लस c a प्लस, और यहाँ पर माइनस a मल्टीप्लाई होगा किससे, c स्क्वायर प्लस c a प्लस a स्क्वायर। क्या बात सबको समझ में आई, अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं ध्यान से, ब्रैकेट a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर टर्म a से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे मसला पता है क्या है कि a ऑलरेडी अंदर मौजूद है कुछ टर्म्स में और कुछ टर्म में मौजूद नहीं है, तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तीनों टर्म से होगा तो a और a स्क्वायर क्या बनेगा, कैसे पावर सेम बेस है ना, a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है पावर ऐड, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करके मत दिखाना, डायरेक्ट a क्यूब बना देना क्योंकि पावर बहुत सिंपल है। सही कह रहा हूँ, a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो पावर बन गई 1 प्लस 2 कितना, अब ये दोनों स्टेप स्किप कर सकता हूँ, डायरेक्ट a लिख सकता हूँ, मैंने कहा था आगे जाके डायरेक्ट काम करेंगे लेकिन शुरू में एक स्टेप करना जरूरी था जब ये काम सिखा रहा था तब 2.2 में, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तो और अच्छा a और ab क्या बनेगा, अच्छा पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि सर a a के साथ भी जाएगा ab के साथ भी जाएगा, a मल्टीप्लाई होना ab के साथ कैसा होगा, दोनों एक ही टर्म है क्योंकि दोनों आपस में खुद क्या हो रहे हैं, हाँ अगर इनके बीच में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इनके बीच में प्लस या माइनस होता तो फिर वो बात होती जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये दोनों के पास जाना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, लेकिन ये तो खुद मल्टीप्लीकेशन है तो rather than distributive property यहाँ apply होगी associative property, कि आप पहले a को b के साथ लिख दें फिर a अलग कर दें, या पहले इन दोनों a को साथ लिख दें और b अलग लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले आप इन दो को मल्टीप्लाई करें, a को b के साथ मत लिखिएगा क्योंकि a और b तो मल्टीप्लाई हो भी नहीं सकता, लेकिन a और a मल्टीप्लाई जरूर हो सकता है, और ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर b। तो क्या ये बात सबको समझ आ रही है,
और फिर उसके बाद तीसरी टर्म जहां सिर्फ बी स्क्वायर है वहां जब ए जाएगा तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा या बी स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी जहां ए नहीं है वहां ए आ जाएगा और जहां ए पहले से वहां ए की पावर बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी मतलब स्क्वायर है तो क्यूब बन जाएगा, वन है तो स्क्वायर बन जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? अब ये गलती तो नहीं होगी हम लोगों से, ठीक है? बेसिक सी बात है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर आ रहा था तो जो कि क्यूब बनेगा, या और भी काम होगा तो मैंने इसको समझा दिया। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, पहले x की पावर a और a स्क्वायर बना a क्यूब, a और a b बना a स्क्वायर b, a और b स्क्वायर बना एक मिनट एक मिनट, ये भी रुको, ये भी a b वाली टर्म है, ये भी a b वाली टर्म है। x plus x 2x होता है तो a b plus a b 2ab होना चाहिए, नहीं क्यों? दोनों में अल्फाबेट सेम नहीं है क्या? पावर सेम नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर x प्लस एक्स लिखो हम सब लिखते हैं 2x, अगर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखो हम सब लिखते हैं 4, प्लस हो रहा है 2x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन आ जाता है 1 प्लस 1 2 बन जाता है, सही बात है, ठीक है? अब एक बात होता हूँ, एक टर्म है x वाली, एक टर्म x स्क्वायर वाली, क्या 2 बनेगी? क्योंकि x वाली होती तो x 2x बचता, अगर x वाली होती दोनों तो 2x बचता, अगर x स्क्वायर वाली होती दोनों तो 2x स्क्वायर बनता, लेकिन ना तो दोनों x है ना तो दोनों x है ना x स्क्वायर है, तो कुछ लोग x क्यूब ना बनाते हैं कि x क्यूब बनता बेटा, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता, बेसिक बात क्यों बता रहे हैं ताकि बहुत ही बेसिक गलती दोबारा ना करें आप लोग, ठीक है? तो ना ये 2x स्क्वायर बनेगा ना 2x बनेगा, यानी दीज टर्म्स आर नॉट कंपैटिबल फॉर एडिशन। हमने सुना है ना अलजेब्रा में कि सेम अल्फाबेट वाली टर्म ऐड हो जाती है सबट्रैक्ट हो जाती है, ये भी तो सेम अल्फाबेट था बताओ, ये नहीं हो रही है। तो सिर्फ सेम अल्फाबेट होना जरूरी नहीं है, सेम पावर होना भी, जिसको डिग्री बोलते हैं, अल्फाबेट की पावर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री भी सेम होना जरूरी है, ठीक है? पावर। तो अब इसके बाद बताओ मुझे क्या दोनों टर्म सेम हुई? नहीं सर, नहीं हुई, क्योंकि ए भी तो दोनों में है मगर यहाँ ए पे स्क्वायर है और वहां बी पे स्क्वायर। हाँ, अगर ये भी ए स्क्वायर भी होता a स्क्वायर भी बन जाता 2a स्क्वायर भी 1 प्लस 1 क्योंकि दोनों के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो बार है, समझे? अच्छा चलो अब इसको ओपन करते हैं, ना सिर्फ ये ओपन होगा यार बल्कि तीनों टर्म्स का साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस b है, तो बताओ क्या बनेगा? माइनस a स्क्वायर b, b a स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन पहले जो लिखा वही लिखते हैं, प्लस माइनस a और b और b b स्क्वायर प्लस माइनस b का क्यूब, दूसरा x b और b स्क्वायर b और b c b स्क्वायर c, समझ रहे हैं सब इस बात को या दोबारा एक एक करके एक्सप्लेन करो? अच्छा फिर मैंने कहा था ना एक ब्रैकेट अच्छे से हो जाए तो दूसरे में मसला नहीं होता, तो वही तो काम हो रहा है। तो b और c स्क्वायर क्या बना? c स्क्वायर b भी लिख सकते हो, b c स्क्वायर भी लिख सकते हो, पहले b c लिख के तो b b c, ठीक है? माइनस c और b स्क्वायर c, माइनस प्लस माइनस BC और C, BC स्क्वायर, B पे स्क्वायर नहीं आएगा, C दो C पे स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस C और C स्क्वायर, is that understood? और अब what about the third X? C और C स्क्वायर, C क्यूब, C और C A, C स्क्वायर A, अच्छा C और A स्क्वायर, C A स्क्वायर या A स्क्वायर C लिख सकते हैं, लेकिन पहले C A लिख चुके तो अभी भी सी ए लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर आ जाए माइनस ए और सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए या कुछ और, ए स्क्वायर सी नहीं, ए सी स्क्वायर लिख सकते थे लेकिन पहले सी ए लिख दिया तो अभी भी सी ए सी, माइनस प्लस सी ए और ए, सी ए स्क्वायर, ए पे स्क्वायर, गलती ना हो, माइनस प्लस माइनस ए और ए स्क्वायर, ए का क्यूब, छह छह टर्म लानी थी जी, छह टर्म लाई है, 3 2 6। अब ये पूरा सिंगल पावर एक एक्सप्रेशन, तो अगर इसमें कोई एक ऐसी टर्म है तो उनको सिंप्लीफाई कर दे, मैं नहीं कहता सबट्रैक्ट कर दे, मैं कहता हूँ सिंप्लीफाई कर दे, साइन सेम है तो खुद ही ऐड हो जाएगी, साइन डिफरेंट है तो खुद ही सबट्रैक्ट हो जाएगी, और क्योंकि नंबर यहाँ बिल्कुल सेम है तो पूरी कैंसिल ही हो जाएगी, तो क्या होगा? प्लस ए स्क्वायर बी से माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर से माइनस ए बी स्क्वायर, इस तरफ वाली जो है वो दोनों एक जैसी हैं और इस तरफ से जो कट किए हैं वो एक जैसी है, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी और बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर,
इसी तरह c स्क्वायर ए से कैंसिल करो या सो कैंसिल करो किसको कैंसिल करो c स्क्वायर ए और c पावर में जो बचा है वो बहुत सिंपल है a क्यूब b क्यूब a रेस टू द पावर 3 भी बोल सकते हैं लेकिन 3 पावर को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूब बोलते हैं अच्छा x की पावर b क्यूब माइनस c क्यूब डायरेक्ट प्लस नहीं करवाना बेटा c क्यूब माइनस a क्यूब क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है अब ये तीनों x आपस में क्या हो रहे हैं कोई साइन ही नहीं है इनके बीच में तो इसका मतलब ये सब आपस में क्या हो रहे हैं जब सेम बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर x की पावर बनेगी a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब और फिर वही होगा जो होता है यानी प्लस a क्यूब से माइनस a क्यूब आखिरी वाला कैंसिल और b क्यूब तो वैसे ही साथ साथ है और c क्यूब तो वैसे ही साथ साथ है कैंसिल तो x की पावर भी बची जीरो और इसका आंसर भी बाकी क्वेश्चंस की तरह वन आया आपने टिक मार्क किया क्वेश्चन 8 के दूसरे पार्ट में अब इसके भी दो क्वेश्चंस मैं होमवर्क बनाता हूं आप लोग कॉपी कर लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा बातें बेटा बातें नहीं कॉपी करेगा बिल्कुल बातें आप लोगों ने भी कोई सवाल करना है कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछ लीजिएगा Thank you.